गांधी शांति प्रतिष्ठान राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार प्रशांत सातदिनिया ओडिशा गस्तरे आसिबे। गांधीजींकर 150तम जयंती अवसर रे तांको विचारधारा को अधिकरु अधिक लोकंक निकट रे पहुंचायबा तांको गस्तर उद्देश्य। ए अवसर रे से राज्यर विभिन्न स्थान रे गांधीक उपरे जनसाधारणक उद्बोधन देबार कार्यक्रम रहिछि। आसंदा 16 रु 18 तारिख जाय कुमार प्रशांत विभिन्न स्थान रे आलोचना चक्र रे भाग नेबे। भुवनेश्वर जयदेव भवन परिसर रे गांधी कथा माध्यम रे गांधी ओ वर्तमान, गांधी ओ जवाहरलाल एवं गांधी और भारत विभाजन विषय वक्तव्य रखे। आसंता 23 से दिल्ली फेरी जबार कार्यक्रम रही। एने एक सांबादिक सम्मेलन में गांधी शांति प्रतिष्ठान प्रादेशिक अध्यक्ष जस्टिस मनोरंजन महांती और राष्ट्रीय युवा संगठन राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विश्वजीत प्रमुख सूचना देखते। शांति प्रतिष्ठान राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार प्रशांत ओडिशा गस्तर भुवनेश्वर तीन दिन काल गांधी कथा आलोचना करेंगे। एठी छात्र मानक सहित युवक मानक सहित जनसाधारण सहित से तांगर मत विनिमय करिवे। ता पर दिन चतुर्थ दिन भद्रक ठारे जनसाधारण को छात्र मानक से उद्बोधन देबे। ता पर दुई दिन 20 तारीख और 21 तारीख राउरकेला ठारे जनसाधारण को छात्र मानक मध्य उद्बोधन देबे। 22 तारीख दिन संबलपुर ठारे जनसाधारण को एवं विश्वविद्यालय छात्र मानी मत प्रदान करेंगे। आज आलोचन आपण मानी सहयोग चाहूँ जनसाधारण पाखे गांधीजी बार्ता पहुँचे आपण मैंने साय्य करेंगे। कुमार प्रशांत ओडिशा आसुवनेश्वर से तीन दिन धरी तरह कार्यक्रम रही। 16 तारीख में सी बीजेपी ऑटोनॉमस कॉलेज छात्र मानर कथा रखे। से दिन राष्ट्रीय युवा संगठन तरफ एक राज्यस्तरीय युव शिविर आयोजित हो तार से उद्घाटन करेंगे एवं संध्यारे गांधी कथा जयदेव भवन में आयोजित हो से गांधी और वर्तमान विषय कथा रखे। 17 तारीख रे सी अड़सपुर उदयनाथ स्वयंशासित महाविद्यालय से छात्र छात्री मान उद्बोधन देवे।